उत्तराखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन काशीपुर में किया गया। भाजपा नेता दीपक बाली और पूर्व सांसद केसी सिंह ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा मणिपुर, बंगाल और असम से लेकर विभिन्न राज्यों के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है। काशीपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में ऐसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो देश विदेश में खेलकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। हमारे बीच पूर्व सांसद केसी सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए आगे बढ़ाया है। वहीं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के महासचिव फयाज अहमद ने बताया कि ये 49वीं पुरुष और 41वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। 49 मैन 41 वुमेन नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी ओपनिंग अभी हुई है। बेहतरीन चैंपियनशिप है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। यहाँ से जो जीतेगा उसका सिलेक्शन वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि लुधियाना में होगी, तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा और सीनियर एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भी यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लगभग पूरे देश से खिलाड़ी आए हैं, रेलवे से आए हैं, BSNL, PNT और ऑर्डिनेंस और सिविल सर्विसेज और अन्य विभागों से भी बहुत खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। काशीपुर में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 49 और 41 वुमेन चैंपियनशिप उसमें हम इंडियन रेलवे के तरफ से बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट लगा, सभी का सहयोग, सभी अपना सभी सामाजिक विचारधारा को देखते हुए, सभी मैनेजमेंट को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। और हम यही चाहते हैं, हम सबसे पहले तो थैंक्स बोलते हैं कि एसोसिएशन का जो अंचल ऑपरेशन का है उसका तहे दिल से सहयोग किया उन्होंने, तो हमें बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और इसी तरह एक अच्छा अच्छा मैनेजमेंट करते रहिए ताकि हम आने वाले टाइम में भी इस गेम को बरकरार रखें और हम अपनी तरफ से जितना होगा हम अपना बेस्ट देंगे। और हमारे साथ कोच भी हैं, हमारे जितेंद्र राज हैं, हमारे NCR से भी इंडियन रेलवे के हमारे कोच हैं, तो हमारे साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी चीज़ होती है इनके पत्तियों में चलते हैं, ये हमें गाइड करते हैं, उस हिसाब से हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और इंडियन रेलवे में हमारा खाना पीना से लेके रहने का खाने पीने का सारा मैनेजमेंट हमारे जितेंद्र राज है, ये सब देखते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम इंडियन रेलवे टीम के पार्ट हैं, एक मेंबर हैं, एक खिलाड़ी हैं और इसी तरह ही हम खेलते रहेंगे। और दोबारा फिर हम राज्य पावर एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।